हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है टेबल कॉस्मोस इंगेज स्मार्ट वॉच और आज इसकी अनबॉक्सिंग एंड फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है। और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इस वॉच को परचेस करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर इस तरह का आपको बॉक्स मिल जाता है जहाँ पर वॉच की डिज़ाइन बनी हुई मिल जाती है और काफ़ी सारे फीचर्स मेंशन किए हुए मिलते हैं। बाकी यहाँ पर QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर वॉच रखी हुई मिल जाती है, उसके बाद वायरलेस चार्जिंग डॉक मिल जाता है जिस पर रखकर वॉच को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन गार्ड भी दिया गया है जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर यूजर मैनुअल मिल जाती है, वारंटी कार्ड दिया गया है और यहाँ पर एक और कार्ड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप फ्री में स्ट्रैप को पा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें बॉक्स में दी गई है। बाकी अब आते हैं वॉच की तरफ, तो देख सकते हैं वॉच काफ़ी तगड़ी लग रही है। और सबसे पहले इसके फिजिकल और व्यू की बात करें तो यहाँ पर राइट साइड में आपको काफ़ी बड़ी सी क्राउन बटन मिल जाती है जो कि वर्क करने वाली है। उसके नीचे माइक्रोफोन दिया गया है और उसके नीचे आपको एक और बटन दी गई है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको सेंसर्स मिल जाते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है और एक और बटन दी गई है जो कि वर्क करने वाली है। अब इसको ऑन करते हैं और फोन से पेयर करते हैं तो यहाँ पर नीचे वाले बटन को प्रेस करके होल्ड करना है और देख सकते हैं यहाँ पर पेबल की ब्रांडिंग आ चुकी है और वॉच ऑन हो गई है। और पेयर करना काफ़ी इजी है, एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद जाना है सर्च डिवाइस पे और देख सकते हैं यहाँ पर वॉच आ गई है। बस इस पर टैप कर देना है और आसानी से वॉच पेयर हो जाएगी। और एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर M2 Wear एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है जो कि ठीक ठाक एप्लीकेशन है और आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आप डेटा वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद वॉच को कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे कि वॉच फेस हो गया, नोटिफिकेशन हो गई और फोन बुक को वॉच में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाते हैं इसमें। और कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। तो ये रही वॉच। और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन बिल्कुल ज़बरदस्त है और काफ़ी हद तक ये किसी वॉच से मिलती जुलती है जो कि आप लोगों को पता है। तो डिज़ाइन बिल्कुल एक नंबर है और देखने में वॉच काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो साइड्स के फ्रेम दिए गए हैं वो मेटल के दिए गए हैं और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है इस वॉच की। बाकी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर ग्लास फिनिश के साथ प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और देखने में वॉच काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और रही बात स्ट्रैप की तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप भी मिल जाता है और इसका जो बक्कल है वो आपको मेटल का दिया गया है, तो स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ज़बरदस्त है इस वॉच की, कोई भी मुकाबला नहीं है इसका। बाकी इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है तो ये पतली रिस्ट वालों के लिए नहीं है, जिनके मीडियम साइज़ की रिस्ट है या फिर बड़े रिस्ट है दोनों पे ये काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और इस वॉच में आपको IP67 की रेटिंग मिलती है तो लगभग एक मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको रोटेटिंग क्राउन बटन मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, तो इसको रोटेट करके वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले पे, तो यहाँ पर 1.95 इंचेस की काफ़ी बड़ी आपको IPS डिस्प्ले मिल जाती है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है। बाकी इसमें 320x385 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन दिया गया है तो डिस्प्ले शार्प है। और ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है तो डिस्प्ले सुपर ब्राइट है, तो आउटडोर पर आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी बेजल की बात करें तो यहाँ पर आपको मामूली से बेजल देखने को मिल जाते हैं जो कि उतने फील नहीं होते हैं, तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार मिल जाती है इसमें। बाकी इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको दो तरह के वॉचेस मिलते हैं, एक एनालॉग दूसरा डिजिटल। इसमें रेस्ट वर्क फंक्शन भी मिल जाता है जो कि काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है, तो जैसे ही हैंड को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी और वापस लेकर जाएंगे डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। और वॉचेस की बात करें तो इसमें बिल्ट इन 9 वॉचेस वॉच में मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कस्टम वॉचेस का फीचर दिया गया है तो आप अपना फोटो लगा सकते हैं और क्वालिटी काफ़ी तगड़ी आती है। बाकी एप्लीकेशन में आपको 100+ वॉचेस का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो ढेर सारे यहाँ पर वॉचेस आपको मिल जाते हैं इसमें। उसके अलावा यहाँ पर कुछ वॉचेस आपको ऐसे मिलते हैं जो कि आप टैप करके कलर को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर वॉचेस के बारे में आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। बाकी इसमें आपको 6 तरह की मेन्यू स्टाइल भी मिल जाती है जो कि आप चेंज कर सकते हैं और बस क्राउन बटन को 2 बार प्रेस करेंगे और ये चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो चलते इसके मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डायल मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स का फीचर दिया गया है और इसमें आप अपने 50 कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉल लॉक हो गया और मैसेज भी जाएंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। स्पोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 24 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेप्स हो गया, स्लीप मॉनिटरिंग हो गया, सेडेंटरी रिमाइंडर हो गया, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पर कैमरा शटर का फीचर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है और इसमें आपको वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर फाइंड डिवाइस हो गया। उसके बाद यहाँ पर वेदर का फीचर मिल जाता है और एक दिन का ही वेदर आप इसमें देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ से रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप वॉच और इसमें आपको कैलकुलेटर का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलेंडर का फीचर दिया गया है और ये मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा क्योंकि यहाँ पर आपको 50 साल के कैलेंडर मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अलार्म का फीचर मिल जाता है और वॉच से ही आप अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर सेटिंग मिल जाती है और यहाँ से मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट हो गया, ब्राइटनेस यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्यूआर कोड रीसेट, और इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाता है। उसके बाद जेन मोड भी जाएंगे तो यहाँ से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस वॉच में आपको चार गेम भी मिल जाते हैं जिसको खेलकर आप टाइम पास कर सकते हैं। पहला है कुछ इस तरह का पजल वाला गेम, दूसरा आपको कार रेस वाला गेम मिल जाता है, तीसरा है गैलेक्सी वॉर्स, और चौथे गेम की बात करें तो यहाँ पर आपको डाइस वाला गेम दिया गया है। बाकी यहाँ पर टॉर्च का फीचर मिल जाता है और लास्ट में आपको वोमन हेल्थ ट्रैकर का फीचर भी दिया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसकी सेटिंग में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्लूटूथ का फीचर दिया गया है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद रेस्ट वेक और साइड बार की बात करें तो इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब जो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर दिया गया है उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर वाइब्रेशन हो गया। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर बटन को आप सेट कर सकते हैं, और ये वाले जो बटन है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, तो आपका जो फेवरेट फीचर है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी सही लगा। उसके बाद यहाँ से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद टाइम सेटिंग, उसके बाद कनेक्ट फोन बिसाइड लैम्प, लैंग्वेज और साइड बार स्टाइल की बात करें तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और इसमें आपको 5 स्टाइल मिल जाती है तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लगाकर वॉच को लॉक करने का फीचर भी दिया गया है। उसके बाद ऑलवेज ऑन मोड मिल जाता है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर SOS, शट डाउन, रिस्टार्ट और रिस्टोर फैक्ट्री और अबाउट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस वॉच में। बाकी एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर इस वॉच की एक्यूरेसी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। सबसे पहले इसके पेडोमीटर की बात करें तो जब आप एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर स्टेप काउंट शो नहीं करता है, और जब आप एंड करते हैं तब आपको स्टेप काउंट शो होगा। बाकी यहाँ पर मैंने 100 स्टेप्स लिए तो इसने 90 काउंट किए, और दोबारा मैंने 100 स्टेप्स लिए तो इसने 104 काउंट किए। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया काफ़ी हद तक एक्यूरेट आया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा शो हो रही है जो कि बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी इसमें। हार्ट रेट की बात करें तो इसका हार्ट रेट काफ़ी एक्यूरेट है, और मैंने इसको ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया तो रीडिंग काफ़ी तक मैच कर रही थी, तो हार्ट रेट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें। बाकी स्पीड की बात करें तो ये उतना रिलायबल नहीं होता है, और इसकी रीडिंग काफ़ी ऊपर नीचे आ रही थी। उसके बाद ब्लड प्रेशर की बात करें तो आप लोगों को पता है कि उतना एक्यूरेट नहीं होता है, और बस फीचर ऐड करने के लिए दिया जाता है। रही बात स्लिप ट्रैकिंग की, तो यहाँ पर इसकी स्लिप की एक्यूरेसी भी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर बस हार्ट रेट की एक्यूरेसी आपको अच्छी मिल जाती है, बाकी सारी चीज़ें आपको उतनी एक्यूरेट नहीं मिलती है। अब ये कॉलिंग वॉच है जिसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर मिल जाता है, और दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप आराम से बात कर सकते हैं। और मैंने इस पर 1-2 कॉल अटेंड किए और अच्छे से आवाज़ आ रही थी, और मेरी भी आवाज़ अच्छे से जा रही थी। और यहाँ पर मैं इसके स्पीकर की क्वालिटी आप लोगों को सुना देता हूँ। एयरटेल में आपका स्वागत है। एयरटेल 5G प्लस अब लाइव है। प्रीपेड सेवाओं के लिए 1 दबाएं, पोस्टपेड सेवाओं के लिए 2 दबाएं। तो देख सकते हैं स्पीकर काफी ज्यादा लाउड आपको मिल जाता है इसमें। बाकी इसमें आपको डायल पैड भी मिल जाता है, और 50 कॉन्टैक्ट्स को आप सिंक कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी सही लगा। उसके बाद यहाँ पर मैसेज के नोटिफिकेशन की बात करें तो मैसेज को आप पढ़ सकते हैं, रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और आपको 4-5 लाइन्स के मैसेज मिल जाते हैं इसमें, लेकिन इसमें हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसका UI काफ़ी फास्ट और स्मूथ है और मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाती है। उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर दिया गया है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, और इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो आपका जो फेवरेट है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर दिया गया है जहाँ से आप रिसेंट ऐप को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको डेट, टाइम और वेदर भी शो हो जाता है। बाकी इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा कि मैंने शुरू में बताया। उसके बाद राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ से वॉचफेस को चेंज कर सकते हैं, और क्राउन को रोटेट करके भी वॉचफेस को चेंज कर सकते हैं। बाकी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप मेन मेन्यू में चले जाएंगे जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ और ऑन कर सकते हैं। बाकी जो इस साइड में बटन दिखे इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और आपका जो फेवरेट फीचर है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का UI दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फास्ट है और लैग नहीं करता है। लास्ट में आते इस वॉच के बैटरी बैकअप पे, तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप मुझे बस ओके लगा, और अगर आप कॉलिंग फीचर को यूज़ करते हैं तो आपको 1 दिन का ही बैटरी बैकअप मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप कॉलिंग फीचर यूज़ नहीं करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप भी मिल सकता है। आते ही मुद्दे की बात पे कि क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं, तो इसका जो लॉन्च प्राइस है वो है 2,999 रुपये, लगभग 3,000। और 3,000 के हिसाब से देखा जाए तो भाई अच्छी वॉच है, खास करके यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन मिलती है और बिल्ड क्वालिटी मिलती है काफ़ी तगड़ी मिलती है, और डिस्प्ले भी काफ़ी शानदार है, और फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिटनेस वाले फीचर्स हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं है, और ये वॉच फिटनेस के लिए नहीं है। जिन लोगों को शो ऑफ करना है या फिर फैशन के लिए एक अच्छी वॉच लेना चाहते हैं इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा और फिर ये उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगी। तो अगर आप लोगों को लेना है तो अभी ले सकते हैं, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को वॉच कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।